समय पहले की बात है, रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकालते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भाग कर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबरा कर कहने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई, चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं, मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गया है, भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गों के पास हाफता हुआ पहुंचा, भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं। मुर्गे दाना चुगने में मस्त थे, चूहे से कन्नी काटते हुए बोले, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है, चूहे दानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं, और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा, मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी, चाचा और उनका परिवार खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी खटाक की आवाज आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है, कबूतर मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी, तभी हिस की आवाज आई, ये क्या, चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से हुंकार मारते हुए बिटिया को दस लिया। बिटिया की चीख सुन सब वहां इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है, मुझे फौरन कबूतर का कंठ लाके दो, मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। यह सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हालचाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। चाचा भी बिटिया की जान बचने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गों का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो वो भी बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। चाची ने रहमान चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच है, जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे, आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर मुर्गे और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं खुद की ही मदद करेंगे। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।